मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे यू विल कंटिन्यू चैप्टर 6। टुडेज टॉपिक एक्सक्रेटरी सिस्टम। योर बॉडी वर्क ऑल द टाइम। स्टूडेंट्स, आपको पता है आपकी बॉडी हर समय वर्क करती है। एज इट वर्क, इट प्रोड्यूस वेस्ट। और जब वर्क करती है तो वो प्रोड्यूस क्या करती है? वेस्ट। दीज वेस्ट मिक्स विद द ब्लड। और ये जो वेस्ट होता है वो किसमें मिक्स होता है स्टूडेंट्स? ब्लड में। Hence the blood has to be clean. About the blood clean होता है। Organs that remove waste from the blood, जो organs blood में से remove यानी remove करते हैं waste को, from the excretory system, किसके द्वारा करते हैं? Excretory system के द्वारा। The kidney, ureters and urinary bladders form the excretory system. और आपकी जो किडनी होती है, यूरेटर्स होता है और यूरी ब्लैडर्स होते हैं, वो किसके फॉर्म होते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम के। द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड इज डन बाय द किडनी। और जो आपके ब्लड की क्लीनिंग यानी सफाई की जाती है, किसके द्वारा की जाती है स्टूडेंट्स? किडनी के द्वारा। दे वर्क एज फिल्टर। और ये वर्क कैसे करती है? जैसे घर फिल्टर, आपने घर में पानी को फिल्टर होते देखा है, इसी टाइप से किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। और जो ब्लड का रिमूव यानी जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और यूरिन की फॉर्म में बॉडी से वो रिमूव यानी बाहर कर देती है ब्लड के वेस्ट को। हियर गिवन पिक्चर, एक्सक्रेटरी सिस्टम, दिस इज योर किडनी, ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स और ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर्स। ओके, दिस इज योर पिक्चर। And here, tick the correct answer. Which organ system clean the blood? हमारे ब्लड को कौन सा organ system clean करता है? Circulatory system या excretory? तो your answer is excretory system. Here given picture. एक बार हम फिर revise करेंगे. First your respiratory system, यानी हम सांस लेते हैं. You know very well ना? Fresh air कहाँ आती है? पहले nose में. नोज से कहाँ आती है? लंग्स में। लंग्स से जाती है हार्ट में, हार्ट से जाती है ब्लड में और ब्लड से जाती है बॉडी में। डू यू अंडरस्टैंड? और फिर क्या होता है बेटा? और फिर स्टूडेंट्स क्या होता है? फिर जब आपके बॉडी में जाता है तो फिर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो ब्लड, फिर वो हार्ट, फिर लंग्स, आफ्टर दैट नोज, और फिर वो बाहर हो जाती है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है। ये तो होता है आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे फूड होता है, पहले आप फूड खाते हैं, वो किसके द्वारा खाया जाता है? माउथ के द्वारा। अब माउथ से फिर क्या जाता है? बॉडी फूड पाइप में, और फूड पाइप के बाद जाता है ये स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में भी जाता है और इंटायर पूरी बॉडी में भी जाता है। और कहाँ से रिमूव हो जाता है? एनस से। इसके बाद आपका होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? हार्ट से। हार्ट से आर्टरीज में जाता है, फिर बॉडी में जाता है, उसके द्वारा वेंस में जाता है और अगेन हार्ट तक पहुंच जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, पहले आपका ब्लड होता है ब्लड में, फिर उसके बाद आपका जाता है किडनी, किडनी से वेस्ट होता है, वेस्ट से यूरेटर्स में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद यूरिन के द्वारा आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है।